बोला। दोस्तों आप सभी को नमस्ते। तो दोस्तों हम आज चेकवार की सीट किस तरीके से फिट करते हैं उसका वीडियो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो देख लीजिए हम किस तरीके से बताते हैं काम हमारा और किस तरीके से सीट फिट करना चाहिए वो पूरा इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों EPW परफेक्ट वर्क्स। देख लीजिए दोस्तों जेक्वार का फालेंग सीट है और ये जो कंसील्ड सैज बॉक्स का जो पाइप है आउटलेट पाइप उसको लगा रहे हैं दोस्तों, वो 1.25 इंची का है। देख लीजिए हम फिट कर रहे हैं। और ये जो है 4 इंची पाइप की रिंग है दोस्तों, ये रिंग भी फिट कर रहे हैं हम ताकि इससे लीकेज ना होती, सीट एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है दोस्तों। ये देख लीजिए ये 4 इंची का है दोस्तों और ये 2.25 इंची है दोस्तों। ये भी देख लीजिए 2.25 इंची डिस्टेंस बता रहा है। तो देख लीजिए हम सीट किस तरीके से फिट करते हैं दोस्तों, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये देख लीजिए हमने फ्लैश टॉप खोल दिए, ये पानी निकल गया है दोस्तों। अब ये हम सीट फिट कर रहे हैं और सीट इस तरीके से फिट होती है दोस्तों, एकदम परफेक्ट। उसको 2 जन ढकेल रहे हैं और 2 जन पकड़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे 4 जन लगते हैं। देख लीजिए ये फिट हो गए है। अब हम इसे ढकेल के, इसमें नट बोल्ट है साइड में, वो कसेंगे दोस्तों तो एकदम चिपक जाएंगी वो। देख लीजिए हम उसको पहले चिपका देते हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों हम किस तरीके से उसको लोड करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन का बटन ज़रूर ज़रूर दबाइए। और इस वीडियो को दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देख लीजिए हमने डिग्री भी लगा दिया है, डिग्री का बबल भी सेंटर में है दोस्तों। हमारी सीट परफेक्ट फिट हो गई है, अब बस उसे कसना है हमें। जो नट है उसके साइड में उसको कसना पड़ता है दोस्तों, तो ये नट हम कस रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए एकदम परफेक्ट, ये देख लीजिए नट कस रहे हैं दोस्तों हम। और दोस्तों हम हर तरीके के वीडियो लाते हैं आपके लिए, और हमारे वीडियो कलर पेंटिंग का भी आता है और इलेक्ट्रिक का भी आता है, प्लम्बिंग का भी आता है। तो ये आज हमने वॉल हैंग सीट किस तरीके से फिट करते हैं दोस्तों वो बता रहे हैं। आज हमारे पास में शूटिंग करने के लिए लेबर भी था, इसी कारण हमने आज शूटिंग लिया है दोस्तों। नहीं तो हमने 3 सीट आपको बताए हैं सीट कवर फिट करते हुए, लेकिन हमने 2 जन नहीं फिट करा हो तो हम शूटिंग न ले सके, इसके कारण हम आपको बता न सके दोस्तों। ये देख लीजिए वॉल हैंग सीट इस तरीके से फिट होती है दोस्तों, और नीचे से पूरा 5 इंच का गैप है दोस्तों, वैसे 6 इंच का गैप होना चाहिए मगर टाइल्स वाले ने उसको ऊपर उठा दिया टाइल्स नीचे से, फिर भी गैप अच्छी है दोस्तों। और ये जो ऊपर का जो खाली कवर है हम उसे फिट कर देंगे दोस्तों माल भर के, क्योंकि हमारी सीट अब फिट हो चुकी है, एकदम क्लियर कर देंगे उसको हम। ये देख लीजिए दोस्तों अच्छे से टाइट करना पड़ता है नट को, क्रिटिकल जगह है नट कसने के लिए। पाना भी एकदम एक तरफ से लगाओ तो जब भी वो नीचे जाता है एकदम फ्री नहीं होता है, उल्टा सुल्टा लगाना पड़ता है इसको। और दोस्तों हमारे चैनल में आपको जो भी कुछ भी ऐसा लगा तो हमको कमेंट करके आप ज़रूर ज़रूर बताइए। देख लीजिए दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में भी आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। ये देख लीजिए हम किस तरीके से कस रहे हैं उसे, एकदम परफेक्ट। ये जो पाना है वहाँ पे लगता नहीं है, यानी कि लंबा नट है दोस्तों,
उसके कारण तकलीफ जाती है। हमने नट को कट करा है दोस्तों 2 इंची, फिर भी लंबा है, और भी आगे चल के सीट चेंज करना होगा तो अपन चेंज कर सकते हैं, इसके कारण हमने लंबे रखे हैं नट। ये देख लीजिए, कसने में ज़रा दिक्कत जाती है, ये कस रहे दोस्तों हम इधर का भी नट, उस साइड का कस लिए दोस्तों, इस साइड का कस रहे हम। अब ये देख लीजिए, हम कंसील्ड फ्लैश बॉक्स का जो बॉक्स है वो निकाल रहे हैं, यहाँ से फ्लैशिंग होता है दोस्तों। ये कंसील्ड बॉक्स है, देख लीजिए पानी किस तरीके से निकल गया है, आपने देख लिया है पानी किस तरीके से निकला है दोस्तों, यानी कि हमारा सीट एकदम परफेक्ट हो चुकी है, फिट लीकेज भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब चीज़ देखना पड़ता है दोस्तों जब अपन सीट फिट करते हैं। अभी से हम कट करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर की प्लेट लगाने के लिए, टाइल्स के लेवल से एकदम कट हो जाएगा। देख लीजिए, हम टाइल्स के लेवल से पूरा कट कर रहे हैं ग्राइंडर से, एकदम परफेक्ट कट करेंगे दोस्तों। और उसके बाद में जो उसका पैनल है स्विच का वो लगाएंगे। ये देख लीजिए, पूरा पूरा कट करना चाहिए तो एकदम परफेक्ट आएगा दोस्तों। और जो गैप है दोस्तों उसमें हम वाल पुट्टी भर देंगे, साइड में जो गैप आएंगे उसमें वाल पुट्टी भर देंगे दोस्तों। और ये कंसील्ड फ्लैश बॉक्स है दोस्तों, इसका भी हमने हमारे चैनल में इसका वीडियो डाला है दोस्तों, किस तरीके से कंसील्ड फ्लैश बॉक्स फिट करते हैं दीवार पे, वो भी बताया है हमने इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं बताया दोस्तों, सॉरी, जो इसके पहले डाला था हमने, वो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके, कंसील्ड फ्लैश बॉक्स जैक्वार का कैसा फिट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब हमने इसे एकदम अच्छे तरीके से कट कर लिया है, फिनिशिंग कर रहे हैं हम टाइल्स की। और इसमें जो कटा वाला मटेरियल है वो निकाल रहे हैं दोस्तों, ताकि फ्लैश बॉक्स के अंदर ना जा सके, इसे हम एकदम सफा कर लेंगे, उसके बाद में हम फिट करेंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, अब ये स्विच है एक बार का, हम इसे फिट कर रहे हैं दोस्तों। और ये स्विच है, एक 9 लीटर का है, सॉरी, एक 7 लीटर का, एक 9 लीटर का है। देख लीजिए, एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है दोस्तों। और ये जो स्विच के सॉकेट है उसके ऑन ऑफ करने के, उसको भी हम फिट करके बताएंगे। ये देख लीजिए, ये फिट हो रहा है इसका पैनल, ये स्विच है, ये स्विच ऑन ऑफ करती है दोस्तों, इससे अपन दबा दे कि पानी अंदर सीधा सीट के अंदर चले जाता है। ये देख लीजिए, इसको घुमा दे कि फिट हो जाता है, जो पीवीसी रॉड है दोस्तों घुमा दे कि फिट हो जाती है एकदम परफेक्ट। और ये कंसील्ड बॉक्स है दोस्तों, इसे कभी भी अपन रिपेयर कर सकते हैं, पूरा खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है दोस्तों, कंपनी ने एकदम बढ़िया बनाया है, और दिखता भी नहीं है दीवार पे कि कहाँ है फ्लैश बॉक्स, वक्त स्विच दिखते हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए, ये हम इसके ऊपर का जो कवर है वो लगा रहे हैं, देख लीजिए कवर भी किस तरीके से लगता है, हम लगा रहे हैं, देख लीजिए ऐसा फिट होता है दोस्तों। ये हमारा कंसील फ्लैश बॉक्स भी अब फिट हो चुका है, और ये देख लीजिए हम इसे कैसा कसते हैं, ये रॉड है, ये देख लीजिए रॉड, उसको
ऊपर की तरफ घुमाना पड़ता है दोस्तों, तो फिट हो जाता है वो, हलता भी नहीं है और एकदम इजी है। और ये रॉड भी देख लो दोस्तों, इसको नीचे की तरफ घुमाना पड़ता है, एकदम फिट हो गया ये। देख लीजिए अपना स्विच का काम कर रहा है एकदम परफेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है फिटिंग में, किस तरीके से फिट करना पड़ता है पता नहीं चलता है कि उल्टा कैसा है सीधा कैसा है। ये देख लीजिए, ये सीधा है, ये है सीधा। अब ये देख लीजिए, इसको अटकाना पड़ता है, इसका लॉक रहते हैं, लॉक में अटैच हो जाता है, एकदम फिट हो जाता है वो, एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये फिट हो चुका है, एकदम परफेक्ट फिट हो चुका है दोस्तों। और ये देख लीजिए, ये स्विच है, इधर ज़्यादा पानी जाएगा, इधर कम पानी जाएगा दोस्तों, ये हमारा काम हो चुका है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाइए। ये देख लीजिए दोस्तों, हैंड शावर है, सब चालू हो चुके हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट।